प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जिलेवासियों को लगभग 104 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात दी। प्रियदर्शनी इंदिरा स्टेडियम स्थित राजीव ऑडिटोरियम में वर्चुअल रूप से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोरबा जिले में 121 विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। इसमें 36 करोड़ 28 लाख की लागत के 28 विकास कार्यों का लोकार्पण व लगभग 67.5 करोड़ की लागत के 93 विकास कार्यों का भूमि पूजन शामिल है। मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित इस कार्यक्रम में रायपुर स्थित अपने निवास स्थल से वर्चुअल रूप से सीधे जुड़े। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने राज्य शासन के विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित हितग्राहियों से सीधे संवाद किया। लोकार्पण व भूमि पूजन के वर्चुअल समारोह में विधानसभा अध्यक्ष डॉ. चरणदास महंत, जिले के प्रभारी व स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री जयसिंह अग्रवाल, कोरबा सांसद ज्योत्सना महंत, स्थानीय विधायक सहित गणमान्य नागरिकगण, जनप्रतिनिधिगण, शासकीय योजनाओं के हितग्राही और ग्रामीण जन मौजूद रहे। लोड शेडिंग की समस्या दूर होगी, कहीं भी लोड शेडिंग की प्रॉब्लम ना हो, ये मैं चाहूंगा। कलेक्टर कोरबा से कहना चाहूंगा कि एक बहन ने जो चार बकरी ली है, उसे किसी किसी योजना के तहत उसे और भी वो बकरी लेना चाहती है, उसे ये वहां दे रहे हैं, तो ये तुरंत ही यदि घोषणा अमली नामा पहनाया गया, मैं धन्यवाद दूंगा कलेक्टर को जो सरकार उतर रही है। कर लें तो कुछ स्कूल जो विभिन्न विधानसभाओं में जो जो विधायकों की हम लोगों की मांग होगी वो खोले जाएंगे। इसके साथ साथ सड़कों का निर्माण भी होगा और कोरबा में जो विकास के कार्य लंबे समय से लंबित थे उनका बड़ी तेजी के साथ विकास किया जा रहा है। एक अभी आपको ध्यान होगा कि लगभग 600 करोड़ के कामों का भूमि पूजन उद्घाटन आज से 5 महीना पहले मुख्यमंत्री जी करके गए थे, अभी ये हुआ और फिर आप देखेंगे 3-4 महीना के अंदर अभी जो रोडों के टेंडर वगैरह हो रहे हैं उनके भी काम होंगे, उद्घाटन और भूमि पूजन होंगे। तो इस प्रकार से लगातार कोरबा जिले में विकास के कार्य हमारी सरकार के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में और उनके आशीर्वाद से किए जा रहे हैं। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए इमरान के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट।